भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। पाकिस्तान इस मौके पर बढ़ चढ़कर दावे करने लगा है। पाकिस्तान के दो F-16 विमानों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन भारत ने उसके एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उधर पाकिस्तानी मीडिया कुछ पुराने वीडियो फुटेज दिखाकर भारत को नुकसान की खबरें चला रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बडगाम में एक MI हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो सीमा से करीब 150 किलोमीटर अंदर है। पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सुबह ट्वीट कर प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने दो भारतीय विमानों को मार गिराया है, जबकि हकीकत यह है कि उल्टे पाकिस्तानी वायुसेना का एक F-16 विमान भारत ने मार गिराया है, जबकि एक विमान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद भाग गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जोधपुर प्लेन क्रैश का विजुअल दिखाकर अपने फाइटर प्लेन द्वारा मार गिराए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है वो 2016 का है, जब जोधपुर में एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया था। दरअसल पाकिस्तान शुरू से ही प्रोपेगेंडा की कोशिश करता है, जबकि हकीकत यह है कि तमाम अलर्ट के बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।